अगर आप इंटर में आर्ट्स विषय लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो फर्स्ट करना तो बिल्कुल आसान है, मतलब चुटकियों का खेल है, आप समझ जाइएगा कि कैसे फर्स्ट करना है। और हम आपको चाहते हैं यहाँ पे कम से कम आप 480 से ऊपर अंक ला सकते हैं, अर्थात टॉपर के श्रेणी में आपका नाम भी हो। अगर अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं एक बेहतर तरह से, बेहतर प्लेटफॉर्म की तरह, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल रूप से आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छा होगा और बिल्कुल शानदार होगा। आज हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है मानव भूगोल का, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो भी प्रश्न आपको बताएंगे सबके सब इस चैप्टर का इंपोर्टेंट होगा, फुल्ली इंपोर्टेंट होगा, यानी इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक, ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न अभी देख सकते हैं आप लोग पैटर्न के हिसाब से, तो उस अनुसार प्रश्न आपको इसी से पूछा जाएगा जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा मानव भूगोल को परिभाषित करें, यानी मानव भूगोल किसे कहते हैं इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे एक शानदार, मतलब बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है कि भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है, अर्थात इसे मानव भूगोल कहते हैं। आपको अगर यहाँ तक याद हो जाए तो यहीं तक याद कर लेना है, बाकी आगे भी आपको कुछ जानकारी दिया गया है, तो इसमें से आपको जरूरी नहीं है कि सभी को आपको रट लेना है, यानी एक एक पॉइंट को आपको रट लेना है। समझने के लिए आपको हम अभी से दिए हैं इतना अच्छे ताकि आप पढ़ के रख सकते हैं, बाकी इसमें से कुछ कम भी याद करते हैं तो काम चल सकता है। कुछ बच्चे ने कॉमेंट किया था कि सर इतना देते हैं, इतना हमें याद करने बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है, तो बच्चे कठिनाई अगर होता है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, मतलब कि इंटर में पढ़ रहे हैं आपको कठिनाई होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, थोड़ा पढ़िए अभी से पढ़िए आपको, और लास्ट में जो है जो भी क्वेश्चन देंगे वो बिल्कुल रूप से फुल इंपोर्टेंट होगा, बट इसी समय से आपको कुछ चुन कर देंगे, तो अभी से जुड़े रहिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। अमेरिकी भूगोल वेताओं फिंच और ट्रीवार्थ ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को मुख्यतः दो भागों में बांटा, यानी पूछा जाता है मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, भौतिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण। ये दोनों प्रकार के भूगोल को आरीवाड़ी से अध्ययन करने पर आपको तरह तरह के ज्ञान प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पे पढ़िए भौतिक तथा या प्राकृतिक पर्यावरण, फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके लक्षण निम्नलिखित होते हैं कि इसके अंतर्गत भौतिक लक्षण जैसे जलवायु, धरातलीय, उच्चवाच, अपवाह प्रणाली आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, खनिज, जल, वन एवं वन्य प्राणी आदि भी भौतिक पर्यावरण के ही अंग है। दूसरा जो आपका भूगोल है यहाँ पे प्रकार है, दूसरा है आपका सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण, कल्चरल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। इसके अंतर्गत मानव निर्मित पर्यावरण का बोध होता है। इसके लक्षण निम्न है, मानव जनसंख्या, मानव बस्तियां तथा मानव व्यवसाय आदि आते हैं, मतलब इसके अंतर्गत हम ये सब पढ़ते हैं। विभिन्न उद्योग, कृषि, पशुचारण, परिवहन, संचार आदि भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तीसरा सवाल है आपसे पूछा जाता है मानव भूगोल के नियतवाद तथा निश्चयवाद विचारधारा क्या है, या पर्यावरण निश्चयवाद की अवधारणा क्या है। प्रश्न तीन तरह के यहाँ पर प्रश्न है आपसे, तीन प्रश्न का आंसर आपका सेम एक ही होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। जो यहाँ पर बताया गया है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव भूगोल में वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है, ठीक है। मतलब कि पारस्परिक जो भी आदमियों के बीच और जो भी प्राकृतिक वस्तु उसके बीच, वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन होता है। इतिहास, सांस्कृतिक जीवन स्तर सब पर्यावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य शुरू में, आरंभ में क्रियाशील प्राणी रहा है और उसके क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। इस विचारधारा के समर्थक कुमारी सैंपल तथा एंसरवर्थ हंटिंगटन है, ये कुछ साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम है। मानव भूगोल की व्यवहारगत विचारधारा को परिभाषित करें, तो यहाँ पर है कुछ इस तरह के प्रश्न है कि व्यवहारगत विचारधारा का अध्ययन एक वैज्ञानिक उपागम है। इस विचारधारा का उद्भव 1970 दशक में हुआ था इसका उद्भव यानी उत्पन्न। इस विचारधारा से मानव भूगोल के सामाजिक राजनीतिक स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है, जिसके अंतर्गत वाह्य प्रभावों, पर्यावरण प्रभावों को प्रति मानवीय प्रतिक्रिया व्यवहार का मापन तथा विश्लेषण होता है। तो ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका।
आगे है नव निश्चयवाद विचारधारा की विवेचना करिए। इसको ऊपर की तरह ये प्रश्न भी है तो इसको आप आसानी से खुद समझ सकते हैं पढ़ करके। यहाँ पे दिया गया है सबको, आपको लिख तो लेना है निश्चित रूप से आपको, ठीक है। आगे है मानव भूगोल की संभववादी विचार क्या है, या सीधे पूछेगा संभववाद को परिभाषित करें इसकी विशेषताएं बताएं। तो विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी आप पर्यावरण में जिस अनुसार रहते हैं जहां भी रहते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो ये आप में परिवर्तन करने का गुण है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। हम लोग मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का नया विचार देता है। इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। तो यहाँ तक आपको कम से कम अच्छी तरह से याद कर लेना होगा, ठीक है। आगे भूल भी जाते हैं दिक्कत नहीं है। कुछ विशेषता है जिसको आपको याद रखना होगा, मानव भूगोल संभववाद का उपागम की मुख्य विशेषता क्या है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। समय रहते हुए मनुष्य अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर विकास करता है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों द्वारा मानव संभावनाओं को जन्म देता है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र मिलती है, जैसे उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, ये सारी चीज हो जाएगा आपका इसे, ठीक। इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव भूगोल के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में 5 मुख्य अंग है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कितने अंग है भूगोल का, मानव भूगोल का, तो 5 अंग। किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा उसकी क्षमता, उस प्रदेश की प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन, उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक नौ का प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक प्रतिरूप है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक मानव वातावरण समायोजन का रूप है, जिसे हम क्षेत्र संगठन वातावरण समायोजन कलिक अनुक्रम परिक्रियों के द्वारा कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अशुद्धियां यहाँ पर लिखाया हुआ है, तो इसको आपको छांट देना है, ठीक। बाकी इस चैप्टर में जो भी इंपोर्टेंट था हमने बता डाला है। आप यहाँ से आर्ट्स का ऑल क्लास को यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं पीडीएफ को, और नीचे जाकर के हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आपने क्लास नहीं किया है तो यहाँ से जाकर के हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप हिस्ट्री का पहला क्लास भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा। क्या लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, आप हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस प्रश्न को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो गूगल पे आ जाना होगा। चलिए हम तरीका को समझते हैं। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च क्या करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बात आपको सर्च करना है। स्टेप को समझिए पहले कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे सर्च करेंगे माधव एनसीईआरटी क्लासेस। सर्च करने के बाद पहला ऑप्शन जहाँ पर भी ऐसे मिलेगा इस तरह के लोगो वाला, क्या करना है सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, ट्वेल्थ वाले ऑप्शन पे चल जाना है। आप यहाँ पे ट्वेल्थ का देख रहे होंगे, यहाँ पे ट्वेल्थ का जहाँ पर भी आपको ट्वेल्थ वाला देखने को मिले इस पर क्या करना है, क्लास ट्वेल्थ पर क्लिक करना है। क्लास ट्वेल्थ पर क्लिक करने के साथ आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने का आपको हर एक विषय मिल जाएगा, आपको जो भी विषय पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए हमें अभी ज्योग्राफी का लिखना है तो ज्योग्राफी पर क्लिक कर लेंगे। हिस्ट्री पढ़ना होगा तो हिस्ट्री पर क्लिक कर लेंगे। ज्योग्राफी पर क्लिक करने के साथ हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप पहला चैप्टर का पढ़ सकते हैं बिल्कुल रूप से, और यहाँ नीचे आ जाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, यहाँ से क्लास कीजिएगा। तो मानव भूगोल है, इस पर क्लिक करने के साथ आपके सामने सभी प्रश्न आ जाएगा। तो इस पर क्या करना है आपको, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ अब आपके सामने प्रश्न आ गया है, अब आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बार बार देखने से आपको याद भी हो जाएगा यहाँ से। अब इस वीडियो को आप शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, कम से कम 5 ग्रुप में और 5 दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक यहाँ पे बच्चे आ सके जिसे पढ़ने में काफ़ी आपको इंटरेस्टेड महसूस हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय।